हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू होने वाला है। सत्र में कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी, इसको बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व शिक्षा मंत्री और झज्जर से विधायक गीता भुक्कल जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। मैम, अगर आज के मानसून सत्र की बात करें तो वो कौन से मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर आप कहीं ना कहीं विपक्ष को घेरने की कोशिश करें? देखिए, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जैसा कि आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी बताया। ये सरकार जो है इवेंट मैनेजमेंट में लगी रही, प्रचार प्रसार में लगी रही, लेकिन कहने को तो काम बहुत ज़्यादा नहीं थे। सबका साथ और सबका विकास का नारा देने वाली सरकार ने हमारे क्षेत्र के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव करने का काम किया। आज जो है किसान पूरी तरह से दुखी है, जहाँ उनको फसलों के दाम सही ढंग से नहीं मिल रहे। रजिस्टर्ड किसान होना ज़रूरी है, जिसमें उनको दिक्कत आ रही है, अनपढ़ अगर किसान है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो है बहुत से किसान अपने आप को ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। हमारा जो युवा है, बेरोजगार युवा जो है, आज धक्के खाता फिर रहा है। जिन युवाओं को सरकार वायदा कह रही है कि हमने रोजगार दिया है, तो उनको एज पर द क्वालिफिकेशन रोजगार नहीं मिला है और बेरोजगार ज्यादा हुए हैं। युवाओं को नौकरियों से ज्यादा निकाला गया है। डिमोनेटाइजेशन की वजह से काम धंधे जो है बहुत ज्यादा बंद हुए हैं। बहुत सारे कर्मचारी जो है आज सड़कों पर है अपनी मांगों को लेकर। न केवल मौजूदा सरकार में जो कर्मचारी सड़कों पर है, बल्कि रिटायर्ड कर्मचारी हैं जो अपनी मांगों को लेकर पिछले 5 साल से इस सरकार के सामने अपनी आवाज उठा रहे हैं। तो आवाज का जवाब मिलने की बजाय, कोई काम होने की बजाय जो है उनकी आवाज को बंद किया जा रहा है। मैम, मुख्यमंत्री का कहना है कि सरकार ने बहुत काम करवाए हैं, विपक्ष का काम जो है आलोचना कर रहा है, वो आलोचना ही करता है। उनको जो उनकी सरकार में जिस तरीके से काम होता था, वो सोचते हैं कि बीजेपी में भी उसी तरीके से काम हो रहा है, तो उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, हमारी सरकार के समय में जो है लोगों की, जैसे लोकतंत्र की परिभाषा है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, लोगों से सीधा संपर्क था, लोगों से सीधा संवाद था। ये नहीं कि केवल आप मात्र सीएम विंडो से कर रहे हैं। सीएम विंडो में ऐसी ऐसी एप्लीकेशन हैं जो 20-20, 25-25 बार गए हैं। तो मुख्यमंत्री जी तो चलो प्रदेश के मुखिया हैं, आज उनकी सरकार है, वो कहेंगे। लेकिन अगर विपक्ष मजबूती से आवाज़ उठाता है, तभी जाकर बहुत से लोगों के जो है वो कार्य होते हैं। आज ज़्यादातर देखा होगा, जितनी सारी हमारी संस्थाएं हैं, बहुत सारी ऐसे ट्यूशन्स हैं जिन पर पूरा दबाव की राजनीति की जा रही है। तो मैं समझती हूँ, अब गीता जयंती कार्यक्रम मान लीजिए कर रहे हैं, अच्छी बात है, हमारे समय में भी होता था। उस पर इतना प्रचार प्रसार और आप पैसा खर्च कर रहे हैं, और बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं जिनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। सक्षम के तहत लगे हुए युवा ऐसे हैं जिनको की तनख्वाह पैसे नहीं मिल रही है। जिन लोगों को डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर बनना था, आज वो ग्रुप डी की नौकरी कर रहे हैं और अपने आप को बहुत ही सरकार में ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ, जो मानसून सत्र है, क्योंकि सरकार का ये आखिरी सत्र है, उम्मीद करेंगे कि सरकार जागे, क्योंकि अब जो चुनाव होने वाला है वो हमारे जो स्थानीय मुद्दे रहेंगे उन पर ये चुनाव होगा। सरकार ने जो 154 वायदे किए थे कि हर जिले में हम यूनिवर्सिटी खोलेंगे, हर जिले में हम मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, हम जो है अब कॉलेज, इन्होंने कहा कि हमने 35 गर्ल्स के लिए जो कॉलेज बनाए हैं। आप गिनवा दें कि कितनी बिल्डिंग है, क्या केवल कॉलेज की घोषणा कर देना कॉलेज बनाना ही माना जाएगा? कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी हो, जैसे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से थी, हमारे समय में उसका काम शुरू हो चुका था, आज तक भी उसमें क्लासेस लगने का काम इस सरकार ने नहीं किया है। ये था हमारे साथ झज्जर से कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल, जिनका साफ कहना था कि इस बार के मानसून सत्र में ऐसे अनेकों मुद्दे हैं जिनको लेकर वो सरकार को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करने का काम करेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस की रणनीति का बीजेपी सरकार की तरफ से क्या जवाब दिया जाता है। कैमरामैन सियाराम के साथ ओपी शर्मा, R9 चंडीगढ़।